नया दिन नई शुरुआत गाइस। मैं हूं आपके साथ, मेरे साथ है मिस्टर विभोर और हम घूमने के लिए आए हैं दिल्ली का पॉपुलर हेरिटेज पार्क दैट इज कॉल्ड सुंदर नर्सरी घूमने के लिए आए हैं। ये पड़ता है आपके निजामुद्दीन एरिया के बिल्कुल पास में, हजरत निजामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है उसके पास, या फिर आप जो है जंगपुरा से भी यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। और यहाँ आने के लिए आप जो है अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, गाड़ी आते हैं तो उसकी पार्किंग में आप लगा सकते हैं। पार्किंग जो है 100 रुपीज़ की है, वीकेंड पे कितने रुपए की है? 200 की। वीकेंड पे जो है 200 रुपये हो जाती है और बाइक लेके आ रहे हैं तो 35 रुपये की है। इसके अलावा आप कैब से आ सकते हो या फिर ऑटो से आ सकते हो। और मेट्रो से आ रहे हैं तो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा पड़ता है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सबसे पास में पड़ेगा। और इसके अलावा जो है अगर पिंक लाइन से आ रहे हैं तो हजरत निजामुद्दीन उतरें, वहाँ से भी जो है आपको पास में ही पड़ेगा। एक जंगपुरा भी आपका मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से भी करीब 1.7 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। और टिकट हमने ले लिया है, करीब 50 रुपये की टिकट है इंडियन लोगों के लिए। अगर बाहर से हैं आप, फॉरेन के हैं, तो आपके लिए टिकट 200 रुपये का होता है। बच्चों के लिए टिकट जो है वो रहेगा 25 रुपये का टिकट। ये देखिए हमारी टिकट है 100 रुपीज़ की। साथ में हमने पार्किंग भी ले ली थी और पार्किंग वाले रास्ते से हमने एंट्री कर लिया था। अभी आज के इस ब्लॉग में जो है हम आपको पूरा सुंदर नर्सरी दिखाने वाले हैं और इसे जो है आजिम बाग भी बोलते हैं। जो पुराने मुगल लोग थे वो आजिम बाग यहाँ पे नाम रखा था उन्होंने। तो पूरे सुंदर नर्सरी को दिखाएंगे और दिखाएंगे आप जो है यहाँ पे किस तरह से जो है अपने फुल डे को जो है इंजॉय कर सकते हो। तो आइए चलते हैं उस पूरे पार्क को जो है एक्सप्लोर। एंट्री करते ही जो है आपको सबसे पहले यहाँ पे लोटस पॉन्ड मिलने वाला है। ये देखिए ब्यूटीफुल सा लोटस पॉन्ड है यहाँ पे। अभी छोटे छोटे फाउंटेन जो है पानी निकल रहा है फाउंटेन से। और आगे चलते हैं तो आपको जो है सुंदर बाला बुर्ज दिखाई देगा जहाँ पर कि हम अभी जाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सैटरडे संडे काफ़ी भीड़ होती है क्योंकि यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, खाना पीना लेके आते हैं। तो अपना खाना पीना लेके आ सकते हैं और आपका बर्थडे है या फिर आपका सैटरडे मॉर्निंग है, संडे मॉर्निंग है, यहाँ पे आप स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। कॉरिडोर के लेफ्ट साइड और राइट साइड में आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह की लाइट्स मिलेंगी जो कि रात को जो है इस रास्ते को जगमगा देती हैं और पूरा जो है लाइटेड कर देती हैं। और रात को ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देती है। रात को 10 बजे तक खुलता है, सुबह आप जो है यहाँ पे 7 बजे आ सकते हो। एक राज की बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप जो है कपल के रूप में आ रहे हो, मतलब ऐसे कपल आ रहे हो, तो आप वीकेंड में मत आना क्योंकि बहुत भीड़ होती है। देखिए बहुत भीड़ है मेरे पीछे, देखता हूँ। वीकडेज में आइए, वहाँ पे जो है आपको भीड़ भी कम मिलेगी और जो है अकेले में शांति से बैठ भी सकते हैं। दोस्तों सामने जो है आपको एक ओपन एमपी थिएटर भी मिलेगा जहाँ पे जो है इवनिंग में बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम होते रहते हैं। अभी भी जो है कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, आइए दिखाते हैं आपको क्या प्रोग्राम चल रहा है। नहीं तो फिर मन से मार के गंजा कर दूंगा सबको। 1 2 3 फिर ये कार्ड यहाँ से लिया, थोड़ा रब किया, इसको यहाँ पे रखा, सारे के सारे कलर्स गायब हो गए। यहाँ पे जो है इनक्रेडिबल इसामुद्दीन का जो है शो चल रहा है, जादू का शो चल रहा है। यहाँ पे कोई ना कोई कल्चरल प्रोग्राम होता रहता है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, इस हेरिटेज पार्क में आ रहे हैं,
तो ये प्रोग्राम जो है आप शाम को दे सकते हो। पूरे में जो लाइटिंग हो जाती है तो ये पार्क जो है और भी चमक जाता है और इस पार्क की जो है खूबसूरती बढ़ जाती है। इस पार्क में जो है आपको करीब 80 प्रजातियां मिलेंगी पक्षियों की और करीब 300 जो है तरह के आपको यहाँ पे ट्रीज़ और प्लांट्स मिलने वाले हैं। अलग अलग ट्रीज़ हैं, अलग अलग प्लांट्स हैं जो कि आपको केवल इसी पार्क में देखने को मिलते हैं। 36 प्रजातियां हैं यहाँ पे तितलियों की, तो तितलियां भी यहाँ पर जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो बहुत ही बेहतरीन पार्क है यहाँ पर जो है, आप जो है फैमिली के साथ आ रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, तो इस पार्क में जो है आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं इस पूरे पार्क को। हम पहुंच चुके हैं सुंदर वाला बुर्ज गुंबद, ये जो कि हमारे सामने है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और 16वीं सेंचुरी का ये बनाया हुआ है, मुगलों के द्वारा बनाए गए थे यहाँ पे जो भी इमारतें हैं। दोस्तों इसको बोलते हैं सुंदर बुर्ज या सुंदर वाला बुर्ज भी बोलते हैं। ये है यहाँ पे बना हुआ है, 16वीं सेंचुरी का बना हुआ है, इसको रेनोवेट किया गया है ओवर द टाइम। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का है। दोस्तों सुंदर बुर्ज जाना जाता है अपने ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट सीलिंग के लिए, जिसकी खूबसूरत स्टार्स रात को भी चमकते हैं और जिसका जो है आर्किटेक्चुअल एलिगेंस की बात करें तो उसका कोई जवाब नहीं है। दोस्तों ये ऊपर देखेंगे तो आपको ये चारों तरफ जो है जालीदार खिड़कियां दिखाई देंगी, जिनको जो है रेनोवेट किया गया है 17वीं और 18वीं सेंचुरी में, और यहाँ पे जो है चार दरवाजे हैं चारों तरफ, और यहाँ से आपको जो है बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सीन दिखने वाला है। जैसे ही हम सुंदर बुर्ज से जो है बाहर निकले तो ये ब्यूटीफुल सा जो है आपको कॉरिडोर मिलने वाला है, जहाँ पे जो है बहुत सारे फाउंटेन्स लगे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं ब्यूटीफुल फाउंटेन्स जो कि यहाँ की ब्यूटी को बहुत ही ज़्यादा चारों चांद लगा। थोड़ा जो है हम आगे निकल के जो है लेफ्ट साइड आए उन फाउंटेन वाली जगह से, और आपको दिखाते हैं यहाँ भी जो है बहुत सारे प्लांट्स हैं और फ्लावर वाले प्लांट्स भी आपको मिलेंगे, और मेनली रोज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। रोज़ की तरह यहाँ पे कुछ फ्लावर्स हैं वो देखते हैं। ये वाला एरिया है जिसकी वजह से जो है यहाँ पे इसको सुंदर गार्डन बोलते हैं, सुंदर नर्सरी बोलते हैं। गाइस दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, और आप फरवरी और मार्च के टाइम आते हैं तो ये फ्लावर्स आपको यहाँ पे और भी दिखाई देंगे। अभी थोड़े से कम है तो आपको जो है मार्च में भी हम यहाँ पे घुमाने के लिए आएंगे। ये जो पूरा पार्क है करीब 90 एकड़ में फैला हुआ है, मतलब 36 हेक्टर के आसपास से पूरी जगह है जहाँ पे जो है आपको ये सारी चीज़ें मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए मिलेंगी, पूरे जो है अलग अलग प्लांट्स देखने को मिलेंगे, ट्रीज़ देखने के लिए मिलेंगी और फाउंटेन्स देखने के लिए मिलेंगे। गाइस तो परफेक्ट प्लेस है, आप जो है कपल हैं तो घूमने आ सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं तो घूमने आ सकते हैं, फ्रेंड्स हैं तो भी घूमने आ सकते हैं, तो सभी के लिए ये अच्छी जगह है। लाइट जलेगा फिर देखते हैं। यहाँ पे जो है आपको एक ब्यूटीफुल सी जो है झील भी देखने के लिए मिलेगी, छोटी सी झील है लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है। आइए पास में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कितनी सुंदर दिखाई देती है गाइस।
दोस्तों यूनेस्को ने जिस इमारत को जो है रिनोवेट किया उनमें से ये भी है लकड़ वाला बुर्ज जो सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। गुंबद बहुत पुराना है, थोड़ा सा रिनोवेट किया जितना कर सकते थे और इसको जो है पब्लिक के लिए ओपन किया है। सारी जो रेनोवेशन है वो आपकी 17वीं से 18वीं सेंचुरी के बीच की गई थी। और इसके चारों तरफ देखोगे तो आपको जो यहाँ पे फ्लावर्स के जो है सुंदर सुंदर बाग दिखाई देंगे। ये देखिए अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं। ये देखिए रोज़ के भी हैं, चमेली के भी हैं और सामने हैं हमारा लक्कड़ वाला बुर्ज। यूनेस्को ने जो है इसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया है। 16वीं सेंचुरी में जो है इसको बनाया गया था मुग़लों के द्वारा। जो भी यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं, हुमायूं टॉम के बिल्कुल बगल में पड़ती है लोकेशन जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुंदर नर्सरी। इवनिंग हो चुकी है और लाइट जल चुकी है। लाइट में ये हेरिटेज पार्क सुंदर नर्सरी कितना ब्यूटीफुल दिखाई देता है लाइटिंग में। इवनिंग में जो है 10 बजे तक ओपन रहता है और 10 बजे तक जो है आप यहाँ पर जो है इंजॉय कर सकते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड सुंदर वाला महल जो कि अगेन जो है तीसरी इमारत है जो कि इस सुंदर नर्सरी में हम आपको दिखा रहे हैं। आइए पास से जाकर आपको दिखाते हैं कि इसके किस तरह का है और अंदर क्या है। अगर गेट खुला होगा तो अंदर से भी हम आपको दिखाएं। दोस्तों लॉक लगा हुआ है और अभी इसके अंदर बहुत सारे कमरे हैं, बंद किया हुआ है सुंदर वाले महल को। ये देखिए लॉक लगा हुआ है और अंदर से कुछ इस तरह का है। ये देखिए इस तरह की लाइट्स भी यहाँ पे लगी हुई हैं और अंदर से आप कुछ आवाज़ें भी सुन सकते हो। तो आपको जो है इस तरह के बहुत सारी छोटी छोटी शॉप मिल जाएंगी जहाँ पे जो है आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं गाइस। यहाँ पे जो है बच्चों के लिए भी जो है एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क है, एक्टिविटी पार्क है जहाँ पे टिकट होती है 20 रुपये की टिकट होती है बच्चों की। तो अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो वहाँ पे जो है आप जो है बच्चों को जो है इंजॉयमेंट के लिए छोड़ सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जहाँ पर वो अपना एक हैप्पी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी हैं जो है, मतलब बहुत सारे आउटलेट्स हैं जहाँ पे जो है अलग अलग आइटम ले सकते हो। फार्मर्स की भी कुछ शॉप्स हैं, दुकानें हैं जहाँ पे जो है अलग अलग आइटम आपको खाने पीने के लिए मिल जाए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ट्रैवल ब्लॉग जिसमें जो है हमने आपको दिखाया पूरा सुंदर नर्सरी हेरिटेज पार्क जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। और जो है आप पूरे वीकेंड में और किसी भी दिन यहाँ पर आ सकते हैं। वीकेंड में थोड़ी सी भीड़ रहती है यहाँ पर जो कि मैंने आपको दिखाई, लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं यहाँ पर, पूरी फैमिली आती है, खाना वगैरह लेके आते हैं और पूरा एंजॉय करते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये एक हमारा ये छोटा सा ब्लॉग था, आगे चल के जो है मैं इसको पूरा एक्सप्लोर करके आपको बताऊँगा। वो आएँगे हम 2 फरवरी में, जहाँ पर जो है फ्लावर्स भी आपके जो है ब्लूम पे होते हैं और आपको बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिखाई देते हैं उस टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग मर ब्लॉग्स, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।